गप्पी टिंकू तुम लोग क्या कर रहे हो? हम कंचे खेल रहे हैं मटरू। चलो टिंकू अब सारे कंचों को इस बोतल में भर देते हैं। अभी कक्षा शुरू होने वाली है। अरे ये तो मस्त आइडिया है, मैं भी अपनी बोतल में एक कंचे लेकर आऊंगी। क्या कर रही हो मटरू? मैडम मैं इन कंचों को इस बोतल के अंदर डालने की कोशिश कर रही हूँ। गप्पी और टिंकू भी कंचे बोतल में रखकर लाए थे। अरे भोली मटरू, तुम्हारे ये कंचे तो इस बोतल के अंदर नहीं जाएंगे। इस बोतल का मुंह देखो कितना छोटा है और तुम्हारे कंचे कितने बड़े हैं। पर मैडम मेरी इस बोतल में पानी तो आसानी से भर जाता है, तो ये कंचे क्यों नहीं? क्योंकि ये कंचे एक ठोस वस्तु है, यानी सॉलिड है। वो क्या होता है मैडम? ठोस वस्तु जिसका एक सटीक आकार और माप हो। अब इस डस्टर और चौक को हाथ में लेकर देखो। इसका भी तो एक आकार है। बिल्कुल सही कहा मटरू, ठोस पदार्थ का एक आकार और माप होता है, जिस वजह से यह किसी भी दूसरे आकार में नहीं बदल सकते पानी की तरह। अब इस शहद को अपनी बोतल में डालकर देखो जरा। अरे वाह, शहद तो आसानी से बोतल में चला गया। क्योंकि यह एक ठोस वस्तु नहीं है, इसीलिए इसका कोई सटीक आकार या माप भी नहीं है, और इसी वजह से ये अपने आप को इस बोतल के आकार और माप के बराबर कर सकती है ना मैडम? बिल्कुल सही कहा तुमने टिंकू। बच्चों क्या तुम सभी मुझे ऐसी ही किसी और ठोस वस्तु का नाम बता सकते हो? ये बोतल तो ठोस वस्तु है। हाँ, और मेरा क्रिकेट बैट भी, जिससे मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैडम आपका ये बोर्ड भी ठोस वस्तु है। तो दोस्तों आपके आसपास की कौन सी चीज एक ठोस वस्तु है, इसके बारे में सोचिए और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को जरूर बताइए। आज चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ। बाय बाय दोस्तों।